एडीजी जोन अखिल कुमार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के संबंध में तारामंडल स्थित योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जनपद के सभी प्रधानों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि अपराध पर रोक लगाने पर सीसीटीवी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको देखते हुए 500 गांव के प्रधानों के साथ बैठक की गई है और ऑपरेशन त्रिनेत्र के बारे में बताया गया है कि कैसे प्रधान अपने गाँव के चौराहों को गोद लेकर अपराध पर रोक लगा सकते हैं। सभी प्रधानों से आह्वान किया गया है कि अपने गांव में सभी लोग सीसीटीवी लगवाएं, जिस पर सभी प्रधानों ने अपनी सहमति जताई है। अगर सभी गांवों में एक एक सीसीटीवी कैमरा लग जाता है तो निश्चित ही अपराध पर लगाम लगेगा, जो कि अपराधियों के लिए बुरी खबर है। सीसीटीवी से शहर के बहुत सी घटनाओं का खुलासा हुआ है। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, सीडीओ संजय कुमार मीना, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, आए हुए समस्त प्रधान भाइयों और जहां महिला प्रधान है उन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ आए। कमिश्नर साहब का विशेष धन्यवाद कि जो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अब मैं पहले भी आप लोगों से बातचीत कर चुका हूं जो आपके विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं, और पहले भी मेरे को हमेशा जब भी प्रधान भाई यहां आते हैं मेरा हमेशा अनुरोध रहता है अपने सीडीओ साहब से और डीपीआरओ साहब से कि मुझे अवश्य बताइए, क्योंकि मेरा मानना है कि अपने लोकतंत्र में जो सबसे मजबूत और सबसे मूलभूत इकाई है वो आपकी इकाई है, और हमारा प्रधान जो है अपने अपने गांवों में उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे विकास के लिए, चाहे कानून व्यवस्था के लिए या देश की तरक्की के लिए। अगर हमारा गाँव आगे बढ़ेगा तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, और उस जो परंपरा है और जो इस विकास यात्रा है, जो प्रगति यात्रा है, उसमें ग्राम प्रधान जो कि एक गांव का चयनित मुखिया होता है वह सबसे अग्रिम भूमिका अदा करता है। आप एक तरह से अपने गांव के मुख्यमंत्री हो, आप हर प्रकार के निर्णय लेते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, और जब आप एक बार चयनित हो जाते हो तो अपने गांव की समस्त समस्याएं, समस्त जो जन आकांक्षाएं हैं उनके लिए आप उत्तरदायी होते हैं। आपके कई भूमिकाएं हैं। आज मैं सर्वप्रथम जिसके लिए विशेष रूप से आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है उस विशेष अभियान के बारे में थोड़ी बात करूंगा, जो ये त्रिनेत्र अभियान है। त्रिनेत्र हम सब लोग जानते हैं, भगवान शंकर जी का तीसरी आंख के बारे में बात होती है, वहीं से हम लोगों ने इंस्पायर होकर इस नाम को रखा है। उद्देश्य ये है कि जो पब्लिक स्पेस है, जो हमारे चौराहे हैं, उन पर हम सीसीटीवी लगाकर अपने क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाना। अभी हाल में कई ऐसी घटनाएं हुई जो सीसीटीवी के माध्यम से जिन घटनाओं का बड़ा सटीक अनावरण हुआ। अभी गोरखनाथ थाना क्षेत्र में एक हत्या होती है और उसमें नामजद अभियोग भी आ जाते हैं, परंतु सीसीटीवी जब देखे गए तो उसमें सही नाम और अभियुक्त सब दिख गए, तो ये पता चल गया कि किन लोगों ने हुआ। पहले क्या हो गया, कोई नामजद हो गए वो जेल चले जाते थे, असली अभियुक्त कई बार लाभ उठा लग सकते थे जब उनका सटीक साक्ष्य नहीं मिलता। एक हिस्ट्री शीटर है, उसने गोली चला दी यहाँ पर एक हॉस्पिटल के सामने में, सूरज सिंह नाम, उसका सीसीटीवी में कैद हो गया कि वो गोली चला रहा था। इसी प्रकार एक शराब के दुकान पर एक हिस्ट्री शीटर ने गोली चला दी, उसका सीसीटीवी में कैद हो गया। महतीपुर चौराहे के पास एक मंदिर में के सामने एक गरीब महिला रहती थी, उसकी हत्या हो गई कि वहां तो एक स्मैकी ने किया था, अगर कोई और दिन होता तो शायद पुलिस सफल नहीं हो पाती। क्या था, उसके घर पे सामने एक सीसीटीवी लगा था, वह दिख गया, उससे आइडेंटिफाई हो गया, स्थानीय ही था और वो घटना अनावरण हुई। तो ऐसे अनेकों सक्सेस स्टोरीज हैं जो आप लोगों को इस सीसीटीवी लगाने के अभियान में हम लोग को आगे बढ़ना है। तो उस क्रम में हम लोगों ने कुछ प्रगति ऑलरेडी शहर में, गोरखपुर शहर में यह अभियान हमने शुरू किया, पूरे जोन में शुरू किया, और मुख्य जोन हमने चूंकि शहरी क्षेत्र को हम लोगों ने प्राथमिकता दी वहां से शुरू किया। फिर हमने आपके डीपीआरओ साहब, सीडीओ साहब, कमिश्नर साहब के साथ बात की कि क्या हम इसको ग्रामीण क्षेत्र में ले जा सकते हैं,
तो ये लगा कि ये बहुत आसानी रूप से हम अपने प्रधान भाइयों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना को ले जा सकते हैं। कई हमारे प्रधान भाई इस क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कोई नई चीज है और नई बात है, परंतु हम लोगों ने फिर क्या किया कि मैपिंग कराई अपने क्षेत्र में कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों में कहां कहां आवश्यकता है। हमारे दोनों पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और पुलिस अधीक्षक उत्तरी यहाँ आए हुए हैं, उन लोगों ने इस पर एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहां कहां आवश्यकता है। फिर उन चौराहों को आइडेंटिफाई किया जो सड़क जा रही है कि वो किस गाँव की सीमा क्षेत्र में पड़ता है, और उसके हिसाब से फिर आप लोगों को आमंत्रित किया गया कि आइए इसमें हम लोग भाग लें। हर गांव में एक चौराहे पर सीसीटीवी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। उसी क्रम में ये प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। इसको आगे जो पहला बिंदु हमने आपको पूर्व में बताया गया है कि इसमें मुख्यतः आपकी मदद से जो लोग इच्छुक हैं उनकी मदद से चौराहों को हम गोद ले रहे हैं, और उस गोद लिए हुए चौराहों पर हम सीसीटीवी लगा रहे हैं। नेक्स्ट हमने लिखी है कि इसमें पहली भूमिका है कि आप उसको ग्राम प्रधान या ग्राम सभा जो है उस कैमरा को लगाएगा, और उसको लगाने को चलने वाले जो खर्च आता है उसका और स्थान की हो तो आपको ज्यादा बेहतर लगता है, तो आपसे हमारा भी पुलिस ऑफिसर कॉन्टेक्ट करेगा और आप दोनों मिलकर वो जगह तय कर देंगे जो जहाँ लग रहा है, जो सामने के दृष्टिकोण से डायरेक्ट हो रहा है उसमें हमारे विभाग का पूरा लेना देना नहीं। कैमरा लगाने वाले एजेंसी के साथ आपका समझौता पत्र होगी साइन होगा जब वो एएफसी के जरिए कर रहा काम है। मेरा सुझाव ये है कि जब आप कैमरा लगाए कि आपको सिर्फ है कि वो स्थान हम चिन्हित करेंगे आपके सहयोग से, वो सीसीटीवी जब वो लग जाएगा तो उसका हम ऑपरेशन जैसे वो सीसीटीवी लग रहा है चल रहा है नहीं चल रहा है इसकी चेकिंग हम लोग करते रहेंगे, और जहाँ इंटरनेट लगा होगा इंटरनेट से वो कनेक्ट हो सकता है डिस्कस करके उन्हीं वेंडर से आप लगाएंगे तो जल्दी आपका काम होगा। आपको थोड़ा प्रगति देता हूँ कि जो जयपुर शहर में 7 जून से शुरू हुई थी और अभी जब हमने आजादी का 75वीं वर्षगांठ मनाया तो सहयोग वर्ष जिसमें लोग आते हैं अपराध करके वो भाग जाते हैं उसको मैप कराया हमने, और ये भी गूगल मैप में दिखा रहा है कि ये हमारे उत्तरी क्षेत्र में किन किन जगहों पर ज्यादा, और ग्राम प्रधान के साथ हर गांव में हमारा जो आपको निरंतर सही है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे ग्राम प्रधान महत्वपूर्ण है, और कहीं भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की कोई आपके साथ उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है थाना क्षेत्र में, तो आप 54 00 141 और प्रधान ही पहला व्यक्ति होता है जो उनके साथ को धन्यवाद इसलिए कि आप लोगों आपके तरफ से नीचे पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश है कि प्रधानों को तहजीब किया जाए। मैं प्रयास करते रहता हूँ कि बहुत प्रधान लोग मुझसे मिलते रहते हैं और मैं प्रयास किया हूँ, और सबसे अच्छी बात क्या है आपकी इस प्रोग्राम का वो है कि चाहे उसी के लिए हम लोग आज आए हुए देखिए आप लोगों का चाहे मध्य क्षेत्र का हो चाहे उत्तर क्षेत्र का हो हर जगह आने वाला है। ऑलरेडी जो मेरे संज्ञान में है वही कम से कम 2-3 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट गोरखपुर में आने वाले हैं। इसके साथ साथ आप एक चीज ये भी देख लीजिए, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट महाराजगंज में आ रही है, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा एक चेक पोस्ट वहां आने वाला है, वहां पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, कम से कम 2-3 हजार से ज्यादा लोग वहां पे काम में सरकार तैनात करेंगे, और वो लोग जब रहेंगे वहां पे उनका फैमिली सब गोरखपुर में ही रहेंगे, उसका भी सुविधा सभी लोगों को मिलेगा। आप खुद महसूस कर लीजिए जो पहले का जो, क्योंकि मैं गोरखपुर में मैं अभी पहली बार तो नहीं आया हूं, मैं यहां से पहले भी यहां जिलाधिकारी के रूप में मैं तैनात रहा हूं और मैं काम भी किया हूं, आप लोगों को भी बहुत लोग 2-4 मतलब 10-20 लोग तो मेरे साथ काम भी किए होंगे, तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि उस समय भी मैं कहता था कि गोरखपुर का ग्रोथ को कोई रोक नहीं पाएंगे, गोरखपुर केवल एक जिला और एक मंडल के लेवल पर मत सोचना चाहिए, एक प्रदेश से बड़ा हट करके है, क्योंकि आप
आप गोरखपुर मंडल का ही पॉपुलेशन हम ले लेंगे 1.5 to 1.6 करोड़ है, उसके साथ साथ हम बस्ती मंडल का करीब एक करोड़ आबादी के लिए गोरखपुर पूरा, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, हर तरीके से हम मदद करते हैं। इसके साथ साथ बिहार का 2-4 जिले पूरा गोरखपुर के साथ जुड़े हुए हैं, नेपाल के लोग जुड़े हुए हैं। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो आने वाले दिन में गोरखपुर का ग्रोथ कितना हो सकता है कि वो हम लोगों का समझ से भी बाहर है। तो कृपया आप लोगों का सहयोग का जरूरत है। जो प्रधान लोग कह रहे हैं, जो परेशानी आप लोग महसूस कर रहे हैं, हम लोग जितना हो सकता है हम लोग मिलते हैं। हो सकता है कुछ लोग मिले भी नहीं होंगे मेरे से आपको, मैं ऐसा नहीं है कि एडीजी साहब का दरवाजा हो कि हमारा दरवाजा हो, हर समय खुला रहता है। हमने कभी किसी को मना नहीं किया है कि और आप प्रॉब्लम लेकर आए हुए हैं, मगर नीचे लेवल का जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं वो है, चाहे वो अभी सीडीओ साहब बैठे हुए हैं, मैं कल भी उनसे बात कर रहा था, आपका डीपीआरओ साहब बैठे हुए हैं, कि ग्राम पंचायत अधिकारी का इश्यू हो या ग्राम विकास अधिकारी का इश्यू हो, कोई भी तालमेल में कोई दिक्कत है, कृपया आप सीडीओ साहब से एंड डीपीआरओ साहब से मिल लीजिए, उनके तरफ से जो मदद आपको मिलना चाहिए हम लोग दिला देंगे। सर, हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हमें जिले में बुला के मीटिंग में या किसी चीज में बुलाया जाता है और बताया जाता है किसी भी कार्य या अन्य प्रणालियों के बारे में, और जो भी लोग भेंट करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, बहुत खुशी होती है। लेकिन सर, हम आपको ये पूर्ण रूप से उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि ग्राम सभा में जो भी ईमानदारी से और तय दिल से ईमानदारी से लग के वो काम पूर्ण करता है, या सामुदायिक सामुदायिक वो क्या कहते हैं शौचालय हो या पंचायत भवन हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का रूम हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का चयन करना हो। सर, अगर आज आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि यहाँ ये जो जिला है गोरखपुर, इसे उत्तम बनाने के लिए, तो सर ये आप ही लोगों की देन है कि ये आज यहाँ पहुंचा हुआ है। आप ये भी मानने को तैयार है कि जो आपके नीचे अधिकारीगण हैं उनकी कुछ लापरवाही है जिनके कारण हम लोग उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं यही प्रदेश है और यही सब कुछ है। लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी हुए हैं प्रशासन की बात करते हैं लोग, कैसे बात करते हैं, केवल एक ही बंदे की बदलने से ये हुआ है, केवल मुख्यमंत्री जी के और उन्हीं की देन है। आप यहाँ देखिए, काफी तेजी से इसके प्रचार प्रसार में ग्राम प्रधानों की भूमिका अहम हो जाती है, और आज हम लोगों ने मीटिंग की, करीब 500 ग्राम प्रधान ग्रामीण क्षेत्रों से आए थे और उनसे आह्वान किया गया है कि इसको अपने अपने गांव में लगवाएं। मेरे ख्याल से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है, और हर गांव में अगर एक एक जगह भी सीसीटीवी प्रारंभिक तौर पर लग जाता है तो बहुत तेज़ी से ये अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाएगा, और अपराधियों के लिए एक बुरी खबर है मैं इतना कह सकता हूं। और आने वाले समय में ये जो नेटवर्क है ये पूरे गोरखपुर जनपद को सेफ डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए बहुत ही दूरगामी परिणाम देने के लिए ये साबित होगा। देखिए, ऑलरेडी करीब 75 चौराहों पे हमारे लोग आ चुके हैं और उसमें अभियान को और आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। जो उद्यमी हैं और अन्य व्यापार मंडल के लोग हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, तेज़ी से जुड़ रहे हैं इसमें, और उसके आपको सकारात्मक परिणाम कई मिले हैं। कई घटनाएँ हाल में हम लोग वर्कआउट करने के लिए संभव हो सके हैं, और इसका डिटरेंस आप ट्रैफिक में देखें, अब अपराध में भी दिखने लगेगा।